हाय गाइस, क्या हालचाल। और अगर आप एक सैमसंग M21 यूज़र हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि सैमसंग ने अपने सैमसंग M21 के लिए जो एकदम जो लेटेस्ट वाला जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो जो है रिलीज़ कर दिया है। और मैंने मेरे सैमसंग M21 के अंदर इस जो सॉफ्टवेयर को है वो जो है ऑलरेडी जो इंस्टॉल कर लिया है, और मैंने इसे पूरा एक दिन यूज़ किया। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर सैमसंग M21 जो उपलब्ध है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नए नए फीचर्स, काफ़ी सारे फर्दर इंप्रूवमेंट्स और साथ में इनहेंस्ड फीचर्स आपको इसके अंदर जो देखने को मिल जाते हैं। छोटा मोटा अपडेट नहीं था, काफ़ी बड़ा अपडेट था। यहाँ पर आपको 500 MB का जो अपडेट यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो फीचर्स जो देखने को मिलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े इंप्रूवमेंट्स इसके अंदर जो किए गए। और सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो इसके अंदर किया गया है वो इसके कैमरा फीचर्स के अंदर किया गया है। कैमरा क्वालिटी को काफ़ी इनहेंस्ड किया गया, काफ़ी बढ़िया जो ऑप्टिमाइज़ किया गया इसके कैमरे को। तो आज के इस वीडियो में हम जो सैमसंग M21 के जो सॉफ्टवेयर अपडेट का, एकदम लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर अपडेट का जो फुल रिव्यू करने वाले कि क्या क्या आपको इसके अंदर जो नया नया देखने को मिलता है और क्या क्या नई नई चीज़ें आपको इसके अंदर जो देखने को मिलेगी। तो जाए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा सैमसंग M21 यहाँ पर रखा हुआ है, और मैंने इसे जो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है इसके नए अपडेट को। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या आपको जो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी नई नई फीचर्स जो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके जो फीचर्स आए उसके बारे में जो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो फीचर देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको जो कैमरे की स्टेबिलिटी है उसके अंदर आपको जो नए नए फीचर्स जो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो ओवरऑल स्टेबिलिटी इसकी जो है इम्प्रूव की गई है। यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे दिया है कि अगर आप नए अपडेट में जो है अपडेट करते हो तो आप पुराने अपडेट में वापस नहीं जा पाओगे। और यहाँ पर आपको डिवाइस स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी, बग फिक्सेस देखने को मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारे नए नए इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, काफ़ी सारे बग फिक्सेस किए गए, न्यू एंड इनहेंस्ड फीचर्स किए गए। यहाँ पर आपको फर्दर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे परफॉर्मेंस के अंदर, यानी कि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में भी काफ़ी सारे नए नए इंप्रूवमेंट्स जो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अदर फीचर्स भी जो देखने को मिल जाते हैं जो कि One UI के अंदर जो ऑप्टिमाइज किए गए। अब हम चलते हैं हमारे मोबाइल की सेटिंग के अंदर, और सेटिंग में जाने का सबसे पहले मैं मेरा आपको स्मार्टफोन दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको गैलेक्सी M21 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट वाला जो अपडेट देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने 6 अगस्त को जो है अपडेट किया था, और 4-5 दिन बाद इस वीडियो को मैं जो बना रहा हूँ ताकि यहाँ पर कोई आपको बग देखने को तो नहीं मिलते, इसके बारे में मुझे जो है पूरा डिटेल्स में जो पता हो जाए, इसी के बाद मैं जो इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नए नए फीचर्स तो देखने को मिलते ही है, साथ में 419 MB का जो अपडेट था यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है जो कि जुलाई का है, एक महीने पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है और नए नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब टाइम आ चुका है इसके कैमरा रिव्यू को कंप्लीट करने का। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इसके कैमरा रिव्यू के बारे में होने वाली है, पूरा डिटेल में जो कैमरा कंपैरिजन इसका करने वाला हूँ, कैमरा कंपैरिजन तो नहीं इसका कैमरा रिव्यू करने वाला हूँ कि क्या क्या आपको इसके अंदर जो नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिल जाती है, किस तरह का इसका कैमरा वर्क करता है, तो उसके बारे में जो डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में जो बात करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको जो काफ़ी सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाता है, इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, One UI के अंदर आपको काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में नए इंप्रूवमेंट्स जो देखने को मिल जाते हैं, बग फिक्सेस देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आपको जो है कैमरा में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और जो अदर चीज़ें वो परफॉर्मेंस और इसके सॉफ्टवेयर के अंदर जो है इंप्रूवमेंट जो देखने को मिल जाते हैं। और थोड़ा सा बड़ा अपडेट था, 419 MB का अपडेट था, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का जो अपडेट देखने को मिलता है। और 5 दिन बाद में इसका जो फुल रिव्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी बग देखने को नहीं मिला, कोई भी परेशानी भी नहीं हुई ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो सैमसंग काफ़ी अच्छे से जो ऑप्टिमाइजेशन करता है सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद भी, यहाँ पर आपको कोई भी जो है बग्स देखने को नहीं मिलता है। तो इतना था इस वीडियो में, ये था हमारा सैमसंग M21 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट का एक फुल रिव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।